हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हमारी एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो एनिवर्सरी में हमें 3 साल हो गए हैं। सो नाउ वी वर जस्ट थिंकिंग, हमारे 3 साल तो हो गए हैं, लेकिन लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों मेरी बीवी के पीछे पड़ेगी? इसको शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, इसको सिंगल ही रहना चाहिए था। लाइक ऐसा क्या किया है इसने? आइए जानते हैं। चल वेलकम टू बत्तों की बकवास, येट अनदर एपिसोड। सो दिस इज मोर लाइक अ एनिवर्सरी स्पेशल, एनिवर्सरी स्पेशल। दिस इज अवर थर्ड एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी, शादी हो जा रही एंड व्हाट वी डिसाइडेड इज कि जो पोएम है, आखिर तुम होते, वी आर सपोज्ड टू लुक एट दैट हियर है। है। मैं बार बार भूल जाऊंगी। तो मुझे याद दिलाना। लाइक देर आर सो मेनी कमेंट्स अंडर माई पोएम, आखिर तुम होते कौन हो। और हमने सोचा कि इस बार क्यों ना हम उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट्स निकाल कर उनके ऊपर हमारा रिएक्शन दे या रिएक्शन ना दे, दोनों में से आइदर। सो वी हैव पिक्ड आउट सम 20 कमेंट्स, एंड इन सब कमेंट्स का पर्पस एक ही है। तो हमने वो भी कमेंट्स लिए हैं जो एक ही चीज हमें कह रहे हैं, एंड वी विल फिगर इट आउट व्हाइल वी आर रीडिंग दोस कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। श्योर। सो द फर्स्ट कमेंट इज द गाय इज सेइंग टू द लेडी, दीदी फिर आपको सिंगल ही रह जाना था, क्यों आए उस इंसान के पास? उस इंसान, इंसान इज मी। क्यों आए उस इंसान के पास? क्यों आए हो तुम? आई हैव नो आईडिया। तो मैडम, आप जैसी लड़कियां शादी ही क्यों करती हैं? इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट रहो, ना शादी करो ना झमेले में पड़ो। सो दिस गाय एक्चुअली इज सेइंग दैट इफ यू वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट डोंट गेट मैरिड, बिकॉज नाउ ही इज एक्चुअली सेइंग दिस थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अगेंस्ट, दैट कि शादी करोगे तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो ओके, एंड द नेम इज फॉरेंसिक साइंस। या सो इट्स अ वेरी साइंटिफिक कमेंट विद ऑल द प्रूफ्स एंड एवरीथिंग बैक्ड बाय ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग, सो इट्स नॉट अ सम वेग कमेंट। नेक्स्ट कमेंट इज हर्ष आर्यन। नॉट एवरी वुमन थिंक लाइक यू मैम, आई नो सो मेनी वुमन हु हैव प्राइड ऑन इंडियन कल्चर। व्हेन यू गेट मैरिड सोल ऑफ बोथ पर्सन गेट कनेक्टेड, उस समय मेरा तेरा जैसा कोई चीज नहीं रह जाता है, अगर रह जाता है तो उसे शादी मत समझना। ओके, कुछ कहना चाह रहे इन जैसे लोग वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में कहीं के भी नहीं रहेंगे, ईस्ट और वेस्ट कहीं के नहीं होंगे, एंड जैसे इन जैसे लोगों के ही जायद ज्यादातर डिवोर्स होते हैं। ये लोग पोएट्री के नाम पर फैक्ट फेमिनिज्म फैला रहे हैं। फैक्ट फेमिनिज्म पीपल। हर्ष आर्यन इज ट्राइंग टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स। ही इज सेइंग दैट कि वांटिंग इंडिपेंडेंस और इक्वल राइट्स इज लाइक स्प्रेडिंग फेक फेमिनिज्म, व्हिच इज द आइडिया ऑफ मोस्ट ऑफ द मेन और मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर, दैट व्हेन यू स्टैंड अप फॉर समथिंग इट्स फेक फेमिनिज्म। सो नाउ इन द नेक्स्ट कमेंट सम सिस्टरली लव इज ड्रॉपिंग। दीदी डिवोर्स दे देना चाहिए था, क्या पता वाइफ से ज्यादा हस्बैंड परेशान हो। नाउ ही शी हैज ऑल द सब ही है ही है हां ही हैज ऑल द सिंपैथीज विद द पर्सन हु मैरिड मी व्हिच इज यू, इवन माय सिंपैथीज आर विद हिम, इवन माय सिंपैथीज आर, सो ऑल द सिंपैथीज आर, ऑल द सिंपैथीज आर विद हिम, कंसंट्रेटेड। या ओ आई, आजकल की लड़कियों को हर बात से प्रॉब्लम है, रीति रिवाज, मंगल सूत्र, सिंदूर, मगर ये सब नहीं मानती तो शादी के साथ फेरे क्यों लेती हो? अग्नि को साक्षी मानकर इस सोच वाली लड़कियों से कौन शादी करेगा? ये शादी करेगा, मैं कर, नहीं, मैंने कर ली, औरों कर ली है, तो अगर कोई है करने वाला इस सोच वाली लड़कियों से भी शादी, एंड आई एम श्योर there are many men out there who are ready to marry women with such thoughts. Hashtag Mahan. Yeah, hashtag Mahan. Mahan. बहन, तुझे पता नहीं क्या चाहिए, because ये सब मेरे पास है और मुझे बहुत confidence feel होता है। अगर ये भी चाहिए तुम्हें और या तुम अकेले मरो। ओह, अगर ये भी चाहिए तुम्हें तो यार तुम अकेले मरो। मैं ज्यादा इमोशनल हो गया। हिटो किटो द अदर लेवल।
But this is Yamini Jeet. So Yamini Jeet is like, again, suggesting the same thing that I shouldn't get married and I should stay alone. Why? Why? मुझे भी कोई चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बांट सकूं, दो टुकड़ों में काट सकूं. Anyways, तो we are just making fun of them. It's not right. We were here to analyze these comments. Analyze? इतनी गहरी बात बोल दी कि उसको analyze अपन कर नहीं पाएंगे. It's beyond our like mental औकात. औकात. तो शेखर केसरवानी जी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, जो मन में आए बकिए और अपने पति को खूब नीचा दिखाइए. जब इतना ही परेशानी है तो आगे क्यों जारी रखना, तोड़ दीजिए ये जंजीर. कौन से दीजिए? हाँ, तोड़ दीजिए ये जंजीर, प्लीज तोड़ दीजिए. There is no जंजीर. That is the beauty of this relationship, you know, that there is no जंजीर. And that is the entire thing, time, that is what I am trying to establish with this poem. So, कौन है ये? शेखर केसरवानी जी. So, शेखर केसरवानी जी. अच्छा, okay. Such type of women are not recommended to marry anyone. Recommendations are pouring in. Live free and let others be free also. Again, the whole idea is that don't establish the fact कि शादी करने से फ्रीडम चली जाएगी. दैट इज द होल प्रॉब्लम. दीज आर टू एंटायरली सेपरेट थिंग्स. मतलब व्हाई इज इट नेसेसरी कि शादी हुई है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू लीव सर्टेन थिंग्स एंड फ्रीडम. सिंस वी हैव बीन फेड दीज थिंग्स तो अपन सोच भी नहीं पाते. बट फॉर वंस ट्राई टू थिंक इन अ सेक्लूजन कि इज इट अ पॉसिबिलिटी कि आप दो कपल एक साथ में रह रहे हो, दो जने रह रहे हो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज. इट इज ए पॉसिबिलिटी. एंड कुछ चीजें एक दूसरे के लिए करनी पड़ती है बट दोस नीड नॉट बी आउट ऑफ कंपल्शन, नीड नॉट बी टैग्ड एज अ कॉम्प्रोमाइज. आप दो दोस्त रहते हो या माता पिता रहते हैं या आप अपने डैड के साथ में रहते हो, मदर के साथ में रहते हो, तो वहां पे भी आप बहुत सारी चीजें एक दूसरे के लिए करते हो. सो दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज. तो वो हस्बैंड वाइफ के बीच में तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है. गहरी बात, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात. नाउ You are not reading एक तो complaint word on. He is not reading it in series. So when I will be editing this, I am going to have a big problem. Because I think you left few comments, but let's. Please. Oh, so we read this one. Okay, sorry. I'm really sorry. इतनी ही, oh this is fit बीड़कर सूरज. इतनी ही desperate है तो divorce दे देना husband को. I know Indian hubbies might be a little conservative, but India में women rights को westerns के साथ compare करना बेवकूफी है. बेवकूफी तो है, and I am not even talking about western thing. This is it has nothing to do with culture or something western or Indian. Constraints and limitations are there in all parts of the country. This is more about independent thinking. एक तो ये प्रॉब्लम बहुत है. जहां पर आप विमेन राइट्स की बात करते हो वहां पर लोग आपको वेस्टर्न कल्चर के साथ कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि यू एग्री दैट वेस्टर्न कल्चर में इंडियंस को फ्रीडम मिलती है. वेरी इजी आर्गुमेंट एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई कि हाँ चलो ये भी छेप दो यहाँ पे. वो जो था निबंध में, आप धनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चिपका दो, हर निबंध में चलता था. लाइक वाइज कुछ भी उठा के ये तो वेस्टर्न वाले हैं. सो मोस्ट ऑफ द लॉजिक आई रिसीव इज कि यू आर क्वेश्चनिंग द इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर अगर उठा के देखो तो दैट हैज बीन मोर ओपन और मतलब मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा हूं. सो इंडियन कल्चर के नाम पे तो प्लीज मेरे आर्गुमेंट में मत घुसो, बिकॉज़ दैट हैज नथिंग टू डू विद गिविंग इक्वल राइट्स टू ईच अदर. सो नेक्स्ट कमेंट इज बिट इमोजी बेस्ड. सो इट इज फेमिनिज्म. ही 5 स्माइली है उसमें ना, दांत फाड़ने वाले. इनको चाहिए क्या? पर आई एम आल्सो लेडी, बट अगर इतनी ही प्रॉब्लम है साड़ी पहनने से, मांग भरने से, शादी ही मत करो ना, फिर जो मर्जी. आर यू ओके? अगर शादी नहीं करो तो उसके बाद में सब कुछ अलाउड है? तब नहीं आओगे तुम टांग अड़ाने के लिए? या तुम तो शादी नहीं करते, संस्कार नहीं है तुम्हारे, तुम कल्चर खराब कर रहे हो. प्रॉब्लम ये है कि आर्ग्यूमेंट देना है. इट्स लाइक कि समहाउ मतलब तुम बस साड़ी पहन लो, सिंदूर डाल लो, हो जाएगा बस. उसके बाद में तो बस हम तुम्हें उतार लेंगे. सो समटाइम्स आई थिंक कि व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना, यू आर रेडी टू वेयर अ साड़ी, सिंदूर एंड आई एम नॉट सेइंग दीस आर रॉन्ग. इफ यू लाइक वेयरिंग इट, मोर देन वेलकम. माय ओनली थिंग इज दैट
don't make someone wear or do something which they are not comfortable with. So it could be if someone is not comfortable wearing a jeans, don't make them wear jeans. If someone is not comfortable wearing a sari, don't make them wear sari. So दोनों चीजों में है, बट अभी वही वाली बात है कि उस डिस्कशन में घुसना थोड़ा मुश्किल है. बट यहाँ पर इट्स लाइक कि इफ यू कांट वेयर अ साड़ी डोंट गेट मैरिड. राइम्स. इफ यू कांट वेयर अ साड़ी डोंट डू नॉट मैरी. हाउ इज दैट? नो साड़ी नो मैरी. नो साड़ी नो मैरी. ये साड़ी की दुकान के बाद टैगलाइन लिखूंगा मैं. नेक्स्ट. ओके. वेयर आर वी? अंतिम यादव. पता नहीं अंतिम एकदम इनके घर में आखिरी पैदा हुआ, उसके बाद में खत्म खानदान. पता नहीं ऐसी औरत शादी क्यों करती है, माँ बाप की औकात नहीं होती रखने की. सो दिस इज लाइक देयर वाज अ लाइन एंड देन दे क्रॉस्ड इट, सो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ रिएक्टिंग टू दैट कमेंट. छोड़ो छोड़ो. देन देयर इज अ हंबल रिक्वेस्ट फ्रॉम मूसा सारंग. Please don't get married. Simple. 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 Why didn't I think of that? मेरे को पता है इसका आंसर. बताऊँ? डियर जिंदगी में था कि हर वो चीज जो हमें मिल जाती है वो सिंपल होना जरूरी है. कि सिंपल होता है वो रास्ता कठिन होता है, कठिन होता है वो पहाड़ होता है. चाइनीज का उसको बाय बाय कर दो. Oh my god. Okay, next one. Very simple. Don't worry. Next one, Arsh Mohammed. आपको शादी ही नहीं करना चाहिए मेरी बहन. Some sisterly advice again. क्यों अकेले ही जिया जाए A to Z अपने वसूलों के साथ. उसूलों लिखना चाहते थे. उसूलों के साथ. वेस्टर्न कल्चर में शादी ना करना अब कॉमन सी बात है. आप अडॉप्ट करें, सबको राइट है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने करने. हाँ. कट गया है वो मेरा. सो दिस गाइस गिविंग This guy is giving me some advice that if you want to, if you have problem, then please don't get married. And then again, they have connected it with Western culture, which is a common argument. And you can adopt that culture and not get married. So, okay. Next, Shyam Sharma. Divorce कभी सुना है? इतनी तकलीफ है, तो झेल क्यों रही हूँ? Don't spread negativity. Don't spread negativity. No. So, I have been receiving a lot of comments with people saying that you have created a argument space in the family, that you have given them something to argue about. So, I am not guilty of that, first of all. I want this to be spoken about. I want this someone to understand and then maybe change a little bit about how they could be perceiving their partners, and this is from both the sides. So मैंने बोला तो मैंने अपने side की तरफ से बोला है. And I have seen this thing actually in our family only. So her cousins, she many a times now after this poem and when she talked about this topic, so many of them called her and actually sought advice. दीदी मैं इसमें क्या करूँ, दीदी इसमें क्या करूँ. So actually like people have started questioning. You need not rebel or disrespect elders. But you can simply, not simple, since these things are embedded in the culture, so it's not that simple, but you can constantly try to find out a workable way. I won't say it will be always a very comfortable or very like peaceful way, but there is always a workable way which can be worked out. And I also realized that ki, what happens, this needs to be said, and I'm sure this video is getting like, लंबा होता जा रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अलॉट. बट दिस नीड्स टू बी सेड दैट कि आप रेस्पेक्ट देते हुए इफ यू ट्राई टू चेंज थिंग्स, इट्स इजियर टू चेंज थिंग्स. इफ यू काइंड ऑफ गेट ऑफेंसिव एंड यू काइंड ऑफ यू नो बिकम आर्ग्यूमेंटेटिव इन द स्पेस, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अक्रॉस दिस मैसेज आउट देयर इन द राइट मैनर. एंड मैं भी रिसेंटली किसी से बात कर रही थी एंड वी रियलाइज दैट For years, it's been said that the girls who actually wear a sari or have all the tradition, they follow all the traditions and all, they have been picturized as being the most perfect, you know, lady. And right. That's not the case, first of all. And secondly, it's like ki jo opposite hai, hum jaise log, they have been like stereotyped as being
arrogant and ignorant and, you know, not good fit in a family. So we have been stereotyped as that. And that's the friction that comes in between when you decide not to do these things, because then people suddenly see you in that frame that, oh my God, this is the person who will create problems in my family because this girl doesn't wear a sari. So, yes, stereotype. Women also have problem with this thing. Like, they have been suffering from this thing. Our family, when mama, mausi, and sabse kabhi not in a group, but 2-3 jane baith kar baat hoti hai, 3-4 jane hoti hai, kabhi heart-to-heart conversation hote hai. So, these people say, kya, didi, aapne wo bahut acha bola ya, your life is too good, aapne aise manage kar rakha hai. So, people have been following these traditions and everything. Aur, matlab, majboori mein kar rahe hai. Age ho gayi hai unki, matlab, 50 ke ho gaye, 40 ke ho gaye. Still, they are suffering from that thing. And I think, bahut shuru mein hi, if you start doing this, even if you are, you know, doing these things and not happy with it, start talking about it, communicating the thing within your family. And I'm sure that slowly with respect and everything, you will figure this out. Okay. Knowledge and entertainment says that tum relationship mein jaate kyun ho? Na 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 na. मैं कुछ ना कहता हूँ अनु सिंह सेंगर कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास ही है मत करो शादी द मोस्ट फेमस सॉल्यूशन दैट आई हैव बीन गेटिंग सो दैट्स व्हाई वी पिक दिस कमेंट्स बिकॉज़ एवरीवन इज टेलिंग अस नॉट टू गेट मैरिड साला हमें शादी करे हुए 3 साल हो गया एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर 13 इयर्स सो 10 इयर्स एंड देन 3 इयर्स ऑफ मैरिज सो इट्स नॉट दैट We know each other in and out and I think that is how it should be, right? That is how it should be. Naveen Kashyap. Shadi mat karna, kyunki shadi karke kisi bechare ka ghar hi kharab karenge. Bechara, mera ghar kharab kar denge. Bahut shadi mat karna koi isse. Shadi mat karna mujhse. Because it's true, right? This is how people perceive. That if I'm talking about these things, people will see me as someone who will go to a house and destroy it like a Saas Bahu serial. And actually, see, the thing is, don't fight with the parents, elders, or people in your home for this thing. Don't impose this thing on them. Again, मैं वही चीज कह रहा हूँ. Because see, वो लोग they have been fed up with this thing, और वो culturally adapt हुए हुए हैं. So for them, what they have been following is the right thing. आप अगर कुछ अलग करना चाहोगे, तो definitely you will find a resistance to it. So that doesn't mean कि सब छोड़ छाड़ के आ जाओ. Slowly, they will also start accepting it. Yes. My poetry says, galat. Jyada modern sahi nahi. Aise toh phir aapko shaadi nahi karni chahiye, azad rahiye. The same thing. People are connecting marriage with freedom. And they are saying, if you want to stay free, don't get married. If you want to get married, don't expect freedom. These are the stereotypes you want to get over with. Ek mayan mein do talwar nahi rehti. And in this case, we are trying to say that reh sakti hai. Reh rahi hai. Now someone has is trying to be poetic. Kavita ka jawab kavita se. Oh my God. Agarwal. Kaun kehta hai tumhe seemaon mein rehne ko? Kaun rokta hai tumhe skirt pehenne se? Agar maathe ka sindoor aur haathon ki chudiyan itni hi bandishe lagti hain, kaun kehta hai tumhe shaadi karne ko? Kaun kehta hai? Bolo. Koi nahi kehta hai. The point is also one more thing I want to ask you. So there are some girls who don't want to get married because they have sure idea that they won't get the freedom or they will lose all the freedom they have once they get married. They won't be able to fight for it. They won't be able to fight for it. And if you all are saying that I shouldn't get married, so then you say the same to all the girls who think like me, right? So if they say, they come and say, tell you that I don't want to get married, will you accept that decision? You are saying everywhere, right? Like aap shaadi mat karo. Let's say if your daughter at home and she says ki bhai main kal ko adjust nahi ho paunga and I will need this freedom so I won't do marry. You are saying na ki adjust nahi ho paoge to ghar todogi and so you shouldn't get married. So if someone of your known person, your daughter or your sister or your friend or someone comes to you and say that this is how I feel and I don't want to get married, will you be accepting that decision without any problem? The problem is you want them to get married and you want them to adjust and you want them to go through everything that they are not ready for. So
everyone, you know, from every single person, Musa, Shyam, Knowledge, Naveen, Anuj, Vaibhav, and other people who are suggesting that I shouldn't get married, or where you are actually suggesting that people like me shouldn't get married. Think about it. That will you be able to accept this decision from any of your close people if they come to you and say that I don't want to get married? Then we can talk then. And see, like sometimes people say, "Yeah, this is a very feministic point of view." And लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, सी इट्स नॉट दैट द पोएम इज अबाउट टू जस्टिफाई अ पर्टिकुलर थिंग, शी इज अ गर्ल, शी इज रिटन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली लड़कों का भी पर्सपेक्टिव होगा, एंड मेनी टाइम्स इन द मैरिज दे आल्सो लाइक एडजस्ट और दे आल्सो कॉम्प्रोमाइज इन दैट से आई जो वर्ड वो है, सो सेम थिंग हैपन फ्रॉम बोथ साइड, सो इट्स नॉट दैट ये फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट्स नॉट कि हम अलग सेकंड साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को मना कर रहे हैं. But here we are just talking about one. दूसरा भी है. So don't try to negate this point of view by saying कि आपने उसकी बात नहीं करी. Exactly. That's actually a very good point, because whenever I talk about this, they say that this is one-sided story. Yes, it's one-sided story, and I'm welcoming the other side of the story as well. But if it's not negating this side of the story, because both the stories exist. Right. Nothing. इसका existence इसको नीचे नहीं ला रहा है. इसका existence इसको नहीं negate कर रहा है. They coexist and we need to find a way to, you know, harmoniously उसको accept करने का. That's it. अपन ने 21 मिनट का वीडियो बना लिया है. Yes. And not साथ, trying to. हमें साथ साथ 3 साल हो गए शादी के. साथ 7, 3, 21, 21. इसको मैं ऐसे खूब पकाता हूँ. So guys. तभी वैसे कमेंट. I am adjusting in this relationship. तभी ऐसे कमेंट जेल पाती है क्योंकि मेरे को खूब पका है. चलो, okay. Okay, bye-bye. Thank you, bye-bye. We are not trying to prove any point. I wanted to say this because some people might think that, oh, they are coming in front of the camera and wanting to say that कि we are happy and all. We go through a lot of shit. दो human beings रहेंगे तो बहुत. We fight a lot. Fight a lot. We disagree a lot. Like anything. Like anything. And it doesn't mean that we are always like this hunky dory and that. But we love being with each other and. I think उतना काफी होता है, बाकी लड़ाई झगड़े हर कहानी होते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इन द कमेंट्स दैट व्हाट यू थिंक ऑफ दिस, एनी आइडिया इज वेलकम, एंड प्लीज सजेस्ट सम न्यू ऑप्शंस. शादी मत करो, उसके अलावा और ऑप्शन अगर कोई हो, कोई और ऑप्शन भी दो यार. वी विल ट्राई टू सी, और डिवोर्स के अलावा. हाँ चलो चले, ओके बाय बाय.